जब दीप जले आन, जब शाम ढले आन, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, एहसान तेरा हो गा मुझपर चंदन सा चंचल चितवन। दोस्तों, राग यमन थाट कल्याण शाम का राग है, तो राग यमन गाने के बाद और रियाज करने के बाद शाम को छोटी भूख के लिए बढ़िया नाश्ता मिल जाए तो क्या बात है। तो आज मेरे किचन में मैंने बनाया है कॉर्न चीज चिली सैंडविच। जी हाँ, कॉर्न का सीजन चल रहा है, बरसात का मौसम है, तो शाम को राग यमन और कॉर्न चीज चिली सैंडविच का आनंद लेते हैं। आइए, ये देखिए जबरदस्त कॉर्न चीज चिली सैंडविच दो अंदाज से मैंने बनाया है। तो पहले ये वाला टेस्ट करते हैं जो सॉस और चटनी के साथ बना हुआ है। और अब एक ये वाला टेस्ट करते हैं, इसमें अंदर भी बटर डाला हुआ है। मेरे घर घर ससनी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये स्वादिष्ट सैंडविच बनाने के लिए मैंने चार स्लाइस ब्राउन ब्रेड के लिए हैं, आप व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा प्याज चॉप कर लिया है, हरी मिर्ची, शिमला मिर्च, थोड़े से टमाटर लिए हैं, इसके अंदर का पल्प हटा दिया है ताकि मॉइस्चर ज़्यादा ना आए, और उबला हुआ कॉर्न इसे मैंने कुकर में 3 सीटी दे के नमक और हल्दी के साथ उबाल लिया था। अब आइए इसके दाने मैं इस तरह से निकाल रहा हूँ, आप अपनी सुविधा के अनुसार हाथ से निकाल लीजिए। अब आइए बनाते हैं एक मिक्सचर। तो सबसे पहले इस बाउल में जाएगा स्वीट कॉर्न और साथ में टमाटर, टमाटर के साथ साथ मैं डालूंगा शिमला मिर्च और 2 कटी हुई हरी मिर्ची। थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए क्योंकि कॉर्न की तासीर मीठी होती है। अगर बच्चे खाने वाले हैं तो आप मिर्ची कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इसमें डाल रहा हूँ चॉप किया हुआ प्याज। स्वाद बढ़ाने के लिए मैं डालूंगा इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, काली मिर्च के साथ साथ थोड़ा सा चाट मसाला, चटपटापन बढ़ाने के लिए थोड़ी सी लाल मिर्ची, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और आखिरी में स्वाद के अनुसार नमक। आइए अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे तुरंत बनाइएगा वरना प्याज और नमक पानी छोड़ देंगे। दोस्तों, तो हमारा मिक्सचर ये देखिए रेडी है। तो मैंने ब्रेड के यहाँ पे 2 स्लाइस ले लिए हैं, ये देखिए। अब मैं इसमें एक तरफ लगाऊंगा हरी चटनी, बिल्कुल मज़ेदार घर की पीसी हुई हरी चटनी, और दूसरी तरफ लगाऊंगा टमाटर सॉस यानी टमाटो केचप। हम ये 2 तरह से सैंडविच बनाएंगे, बाद में बटर के साथ भी बनाएंगे। तो कॉर्न का जो मिक्सचर हमने बनाया था वो ब्रेड की एक स्लाइस पे हम इस तरह से फैला देंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं। दोस्तों, इस सैंडविच में मैं स्लाइस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो चीज़ क्यूब को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या मोजरेला चीज़ भी डाल सकते हैं। ये देखिए, चीज़ को रखने के बाद ब्रेड के दूसरे स्लाइस को इस पर रख दिया है। तो आइए दोस्तों, पहला सैंडविच बनाते हैं। तो गैस पे तवे को चढ़ा लिया है और थोड़ा सा बटर का टुकड़ा डालूंगा, आप चाहें तो इसे नॉनस्टिक पैन या सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं। तवे पे दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनती है ये सैंडविच। तो ये देखिए, मैंने ऊपर भी थोड़ा सा मक्खन इसके लगा दिया है, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो कम लगा लें। तो हम धीमी आंच पे इसे 40 से 50 सेकंड तक सेकेंगे, याद रखिए इस वक्त आंच बहुत कम होना चाहिए वरना हमारी ब्रेड नीचे से काली पड़ जाएगी। ये देखिए कितना बढ़िया ब्राउन कलर आया है जैसा हम चाह रहे थे। तो इसे हल्के हाथों से लेडल से प्रेस कर लें, ज़्यादा ज़ोर से ना दबाएं वरना हमारी चीज़ बाहर आ सकती है। तो धीमी आँच पर चीज़ सब्जियों के साथ बहुत अच्छे से मेल्ट हो रही है। तो दूसरी साइड भी 30-40 सेकंड के बाद इसे एक बार और फ्लिप करेंगे और थोड़ा सा बटर और इसमें मैं लगा रहा हूँ, देखिए हाथ से ही, ताकि बढ़िया स्वाद आए हमारे सैंडविच में। तो ये देखिए, इसे हल्के हाथों से प्रेस कीजिए और ये देखिए दोस्तों क्या बढ़िया क्रिस्पी लाजवाब हमारी
कॉर्न चीज चिली सैंडविच बनके तैयार है। इसे मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, क्या बढ़िया जो हमने चटनी और सॉस डाली थी वो बहुत ही बढ़िया स्वाद देगी जब हम इसे खाएंगे। तो एक और सैंडविच बना लेते हैं थोड़े अलग अंदाज के साथ। अब मैं यहाँ पे चटनी की जगह बटर अंदर फिल कर रहा हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो पहले प्रोसेस से बना लीजिए, अगर आप खाने में मस्त मौला हैं तो इस तरह से बनाइए। तो ये हमने फिलिंग को फिर से डाल दिया है और फिर से मैं डालूंगा चीज स्लाइस और दूसरे ब्रेड से इसे कवर कर देंगे। एक बार फिर से तवा गर्म है, थोड़ा सा बटर डालते हैं और सैंडविच को इसके ऊपर रख देते हैं और ऊपर से लगाएंगे थोड़ा सा एक बार और मक्खन। क्या बात है, इसे दोनों तरफ से पलट के बहुत ही आराम से धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेक लीजिए। ये देखिए पलट लेते हैं, क्या बात है। आप चाहें तो और भी मक्खन यहाँ लगा सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के अनुसार। ये देखिए क्या बढ़िया मेल्ट हो रही है चीज़ अंदर ही अंदर। तो हमारी दूसरी सैंडविच जो कि बटर लेयर के साथ हमने बनाई है वो भी बन के तैयार है। दोस्तों बाजार में हम सैंडविच तो खाते ही हैं, लेकिन देखा आपने कितनी आसानी से कॉर्न चीज चिली सैंडविच हमने घर में बना ली। आइए इसे कटिंग बोर्ड पर रखते हैं। तो ये फीलिंग देखिए दोस्तों, आ गया ना मुँह में पानी। तो दोस्तों गर्मा गर्म चाय के साथ इसका आनंद लीजिए, अपनी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ। तो एक ही सैंडविच को हमने दो तरीकों से बनाया है, आपको जैसा पसंद हो वैसा बनाइए। बारिश का मौसम है, आनंद लीजिए कॉर्न चीज चिली सैंडविच का। मेरे फूड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलता हूँ नई रेसिपी के साथ। आप सभी को मेरा चटपटा सा प्यार भरा नमस्कार।